8:06 बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछली बार हम लोग गुणा पढ़े थे, आज हम भाग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए नियम एक, नियम दो, नियम तीन, नियम चार, इसको आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। अब उदाहरण नंबर एक देखो, 50 × 7 नियम, इसमें भी नियम एक दो है, नियम एक दो तीन, सबसे भाग करना, हजार से भाग देना, ये सब आपकी नियम दिया गया, इसको आप कॉपी में उतार करके उदाहरण हल करना है आपको। अब देखिए 50 × 7 और 7 × 49 सात का पहाड़ा, हमको इतनी बार पढ़ना है कि 50 से ज्यादा ना हो। अगर 7 × 56 आठ बार ले जाते, 56 50 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 × 49 यहाँ से उधारा, यहाँ बनाया 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 4 में से 4 गया 0। आप गुणा में हम जोड़ते हैं, भाग में घटाते हैं। नियम आपको कॉपी में लिखना है और अभ्यास 15 केवल खाली जगह भरना है, एग्जाम्पल देख करके आपको इसको भरना हल करना है, ठीक है ना। अब अभ्यास 15, फिर उदाहरण पेज 34 का उदाहरण, इसको हल करना है आपको, और अभ्यास 16 हल करना है। अभ्यास 16 का सवाल हम आपको बता रहे हैं, 6372 भागे 2। अब 2 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, 6 में 2 तिहाई 6 कट गया। अब बगल की गिनती 3 उतारेंगे, एक बार में एक ही गिनती उतरती है, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 से ज्यादा इसलिए 2 बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। 2 × 1 = 2 घटा दिया, अब आया 3 में से 2 गया 1, बगल वाली गिनती उतारा 7। अब 3 का पहाड़ा हम 17 में बोलेंगे, और 2 का पहाड़ा 17 में बोलेंगे, 2 × 8 = 16, 1 आया फिर कट गया, फिर 2 उतारा, फिर 6 बार गया, 2 × 6 = 12 पूरा कट गया, इसमें शेष नहीं आया, ठीक है ना। इसी तरह पूरा सवाल अभ्यास 16 हल करेंगे, उदाहरण 1 भी हल करेंगे। अब 2 अंकों का उदाहरण 2 भी हल करेंगे, 2 अंकों का भाग हम कल पढ़ाएंगे, 1 अंक का आप प्रैक्टिस करिए, घर पे अभ्यास करिए, और 2 अंक और 3 अंक का भाग जो है उसको करना कल सिखाएंगे अभ्यास 17। 16 तक आपको करना है, और 16 के नीचे जो एग्जाम्पल है पहला और दूसरा उसको हल करना है। अब इसके आगे देखिए ये वाला सवाल, भाग, इसको भाजक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भाजक, जिसका पहाड़ा हम पढ़ते हैं उस संख्या को हम भाजक बोलते हैं, जितना बार जाता है उसको हम भागफल बोलते हैं। अब किसमें बोलना है उसको हम भाज्य बोलते हैं, किसमें इसको भाग देना है, और नीचे जो बचता है उसको हम शेष फल बोलते हैं। अगर हमारा सवाल सही है कि गलत है, इसको हम देखने के लिए आपको बताएंगे कि भाजक को भागफल से गुणा कर देंगे और शेष फल जोड़ देंगे, अगर भाज्य के बराबर आता है तो हमारा वो सवाल सही है। इस तरह हम उत्तर हमारा सही है गलत है, अब इसको अभ्यास 17 में बताएंगे। एक अंक की गिनती में जो भी आपके समझ नहीं आता उसको व्हाट्सएप से आप पूछिएगा, 2 अंकों का भाग कैसे किया जाता है उसको हम आगे पढ़ेंगे।